ये भगवान ये क्या, मुझे अब भी यह साहिबा की धुन सुनाई दे रही है। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, मुझे सच में आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन तीनों बार अलग आवाज आई, मतलब ये आवाज गुलाबों की नहीं है। मेरी बारी, मेरी बारी। अरे बुजुर्गों के ऐसा मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? जेठालाल, मजाक का आइडिया भिड़े का था। अबू भिड़े टप्पू मस्ती करता है तो तू उसे भाषण देता है और अभी खुद मस्ती कर रहे हैं। बराबर है ये, क्या बराबर है? अरे धड़धड़ी खोटा बोलते हैं जेठालाल, आइडिया इसका था, मेरा नहीं था। अरे ये वांडा तो शादी नहीं होने से सठिया गया है, लेकिन तू तो एक शिक्षक है। शिक्षक जी? जी वेरी बैड शिक्षक जी। अरे देख क्या रहा है, सॉरी बोल। सॉरी हाँ, सॉरी जेठालाल, सॉरी जेठालाल। देखो तुम हमारे इतने खास दोस्त थे और गुलाबो कांड की वजह से इतने दिनों से तुम दुखी थे, हम दुखी थे, हमारी सोसाइटी में से हंसी मजाक बिल्कुल गायब हो गई, तो हमारे वो पुराने दिन वापस आ जाए इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लिया। सॉरी भाई। हाँ मैंने भी इसी इरादे से मजाक किया था, लेकिन तुम्हारे मजाक से मेरा दिल कितना दुखा है मालूम है? फिर से सॉरी बोल। सॉरी सॉरी सॉरी। खुशी खुशी दुकान जाने निकला था, पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया, अभी दुकान जाना ही नहीं है। और मेरे दुकान आज नहीं जाने से जो मुझे नुकसान होगा ना वो पूरा तुम दोनों भरपाई करोगे। जेठालाल भाई, तुम्हारा एक खास दोस्त, पर वो भी ऐसा वैसा सामान्य दोस्त नहीं, कुंवारा दोस्त तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक नहीं कर सकता। उड़ गए ना तोते पोपटलाल। अरे कुंवारा दोस्त मजाक कर सकता है तो क्या शादीशुदा दोस्त मजाक नहीं कर सकता? दिलकर मजाक था, बाप रे। चलो भाई दुकान जा रहा हूँ, चलो। और जेड़ा ब्रा, और मैं भी गैराज जा रहा हूँ, और रास्ते में तुमको छोड़ते हुए चलता हूँ। चलो चलो। सुनी मुझे भी छोड़ते हुए चल, मुझे एमजी रोड जाना है। आ जा पप्पू, तू भी आ जा यारा। चलो मैं तो भाई घर जा रहा हूँ। ओए उतने जीप नहीं जाएगी। नहीं मैं वहाँ पे 11 नंबर की बस में जाऊंगा। बस? हाँ, एक और एक 11। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दे दे के ये झोंक भी छोटे बच्चों जैसा ही मरने लगे। आइकलो नहीं आइकलो। अरे मजाक का दौर चल रहा है ना, तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। बापूजी नाश्ता? नहीं बो, नाश्ता नहीं करना। बापूजी हल्का नाश्ता है, खा लीजिए। ठीक है रख दे। दया अली कविता, बापूजी ये कविता है, मेरे मामा की साली की बेटी, हम लोग स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे। नमस्ते बापूजी। नमस्ते नमस्ते। बहू तुम दोनों शांति से बैठ के बातें करो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। ठीक है बापूजी। कविता बका हो जाए हो जाए। मैं एक
की डाली खाई, एकदम से बहु रूपाई, खाई खाई दूध खाई, ये तो चक चक चाटी जाए। और बुका कैसी हो? अच्छे में। आओ बैठ बैठ, बैठ बुका बैठ। और दया तेरे वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं तुझे धन्यवाद कहने आई हूँ। तेरे वजह से मेरे दुखी संसार में सुख शांति हो गई है। मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो कितने दिनों से तुम्हें मिली भी नहीं हूँ। सच कहा, अभी तेरे जीवन में तेरी सौतन बनकर, तेरे पति की पहली पत्नी बनकर कोई गुलाबो नाम की औरत आई थी ना। उससे तेरे जीवन में कैसे शांति हुई? सच बताऊं दया, मैं ना अपने पति पे बहुत शक करती थी। वो कभी लेट आए या कभी किसी औरत से बात करे तो मैं बहुत झगड़ा करती थी। हमारा सांसारिक जीवन एक दुखी जीवन हो गया था। पर जब भी मुझे पता चला कि गुलाबो तेरे पति की पहली पत्नी होने का दावा करके तेरे सोसाइटी में झोपड़ा बांध दिया और फिर भी तूने अपने पति पे शक करने के बदले विश्वास बनाए रखा और कोर्ट में गुलाबो के सामने और सोसाइटी में हर मोर्चे में तुमने अपने पति का साथ दिया और सच्चाई विश्वास की जीत हुई। तुझसे प्रेरित होकर मैंने फैसला ले लिया कि मैं अपने पति पे शक नहीं करूंगी, मैं उन पे विश्वास करूंगी। और पता है, 2 दिन में मेरे जो पति मुझसे दूर भागते थे वो मुझे रानी की तरह रखने लगे। हमारा दुखी संसार अभी सुखी संसार हो गया है। थैंक यू सो मच दया दी। अरे बका, उससे थैंक यू क्या? वाह वाह, हागिरो सेक्शन। बका, लगन जीवन का दूसरा नाम ही विश्वास है, प्यार है, समझदारी है। पता है मेरी माँ हमेशा क्या कहती है? विश्वास गुब्बारे की हवा जैसा होता है। गुब्बारा बाहर की हवा की वजह से नहीं, उसकी अंदर की हवा की वजह से ऊपर उठता है। ठीक वैसे ही हमें हमारे अंदर का विश्वास ऊंचाई पर रखता है। और अगर हमने विश्वास छोड़ दिया ना, तो हमारा जीवन भी जमीन पर पड़े हवा निकले गुब्बारे जैसा हो जाता है। समझ गई दया, थैंक यू सो मच। अरे अरे, उसमें थैंक यू क्या बका? मैंने फन किया होगा। हेलो दया बेन, जेठालाल गड़ा। हाँ दया बोल रही हूँ, आप कौन? दया बेन, हमने सुना है कि माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा है आप पर। आप खाना इतना बढ़िया बनाती है कि खाने वाला अपनी उंगलियाँ भी चाटने लगता है। हाँ थैंक यू, अन्नपूर्णा माता की कृपा है। वो क्या है, बचपन से मेरी माँ ने मुझे स्वादिष्ट खाना बनाने की ट्रेनिंग दी है, तो अच्छा खाना बनता है। बस तो फिर आज रात हम आपके घर स्वादिष्ट खाना खाने आ रहे हैं। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं। अरे घर पर आए हुए मेहमान को खाना खिलाने की खुशी होती है, तकलीफ नहीं होती। पर आप कौन? वो हम रात को 9 बजे जब खाना खाने आएंगे ना, तब बताएंगे। हाँ हाँ, पर अलो भाई, अलो हेलो, फोन रख दिया। कौन होंगे जो हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ रहे हैं? नाम भी नहीं बताया। कोई रिश्तेदार होंगे या फिर टप्पू के पापा के कोई मित्र होंगे? और बता चंपक, कैसा है तू? एकदम ठीक हूँ रवजी। लेकिन क्या बात है, आज तू बहुत खुश लग रहा है। हाँ तो खुश तो दिखूंगा ना, कल मेरी पत्नी विमला 15 दिन के लिए गांव गई। मजाक कर रहा हूँ। पता है भाई, पता है तू मजाक कर रहा है। अरे दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि जीवन में मजाक तो होना ही चाहिए, वरना जीवन बिना खुशबू वाले फूल जैसा हो जाता है। चंपक, वो तेरी दूसरी पत्नी आई थी, उसका क्या हुआ? मेरी कौन सी दूसरी पत्नी? अरे भाई नंदू, वो जेठा की दूसरी पत्नी थी। अरे राव जी, नंदू मजाक कर रहा है भाई। हाँ, तेरे घर पे मुसीबतों के बादल छा गए थे, झूठे तो झूठे, पर इस उम्र में तेरे बेटे जेठा की 2 शादी के लफड़े ने परेशान कर दिया था ना। हाँ चंपक, जेठा की पहली पत्नी आई, तुझे बहुत चिंता होगी ना? हाँ चिंता तो हुई थी, लेकिन जो हालात निर्माण हुए थे उसकी चिंता हुई थी, बाकी जेठा पर तो मुझे पूरा भरोसा था। मानना पड़ेगा तेरे जेठा पर के भरोसे को। अरे राम जी, मैं अपने बेटे जेठा को रग रग से पहचानता हूँ,
वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता ये सब जानता हूँ मैं। मैं तो मेरे बेटे को अभी तक नहीं पहचान पाया। रहु जी, अपने बच्चों को पहचानना समझना हर माँ बाप का फर्ज होता है, वरना बच्चे हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप हाथ मलते रह जाते हैं। चंपक, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, बेटे के मामले में तू हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। हाँ बस बस, अभी ज्यादा तारीफ मत करो, किसी की नजर लग जाएगी। है मैं तो सिर्फ भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हर माँ बाप का अपने बच्चों के साथ का रिश्ता मधुर और मान सम्मान का बना रहे। चल चंपकिया, तेरे परिवार पर जो मुसीबत आई थी वो टल गई, उस खुशी में पार्टी दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ चलो। हाँ हाँ चल, आज एक एक गिलास गाजर का जूस पिला दे। अरे एक एक गिलास क्या, चार चार गिलास पीना है। चल चल। अरे दया, नाश्ता ला जल्दी। आई आई, मेरे जाने बाहर, जाने मन, जाने दुश्मन।